Hello, dear students. Do you know about palindrome numbers? Well, these are such numbers which read the same from left as well as right sides. An example of palindrome number could be 505. 505. So, when you read it from left side, it is 505, but when you even read it from right side, it is 505 again another example of palindrome number could be 1331 right it reads 1331 from left side as well as from the right side it reads 1331 so such numbers which read the same from left side or right side are known as palindrome numbers now we are going to do a program in java which will test whether the inputted number is a palindrome number or not so let us see how do we do this program in java तो चलो प्रोग्राम को शुरू करते हैं राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट अ नंबर फ्रॉम द यूजर एंड चेक वेदर इट इज अ पैलिंड्रॉम नंबर और नॉट अ नंबर इज अ पैलिंड्रॉम विच वेन रेड इन रिवर्स ऑर्डर इज सेम एज इन द राइट ऑर्डर जैसे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है सैंपल इनपुट टू फोर टू इसको अगर तुम लेफ्ट टू राइट पढ़ो तो टू फोर टू और अगर राइट टू लेफ्ट यानी रिवर्स नंबर भी पढ़ो रिवर्स मतलब राइट टू लेफ्ट उल्टा पढ़ना तो भी टू फोर टू ही होगा सामने से भी टू फोर टू और इसका पीछे से भी पढ़ोगे तो टू फोर टू यानी द रिवर्स नंबर इज सेम एज द ओरिजिनल नंबर इफ दिस इज द केस देन आवर नंबर इज अ पैलिंड्रॉम नंबर राइट सो यहां पर एक कंडीशन हमें समझ में आ गया है कि हमारा जो रिवर्स नंबर है नंबर को उल्टा करके जो नंबर मिलेगा इफ द रिवर्स नंबर इज इक्वल टू द ओरिजिनल नंबर ओरिजिनल नंबर अगर हमारा रिवर्स नंबर ओरिजिनल नंबर के बराबर होता है देन द नंबर द इनपुटेड नंबर इज अ पैलिंड्रॉम नंबर यहां पर एक दूसरा नंबर दिया गया है जिसका रिवर्स नंबर ओरिजिनल नंबर के इक्वल नहीं है ओरिजिनल नंबर इज फोर सिक्स सेवन राइट लेकिन रिवर्स नंबर क्या होगा उल्टा सेवन सिक्स फोर पीछे से पढ़ेंगे तो सेवन सिक्स फोर एंड बोथ ऑफ देम आर नॉट इक्वल हेंस यहां पे क्या प्रिंट होना चाहिए नॉट अ पैलिंड्रॉम नंबर है? लेकिन टू फोर टू के लिए क्या प्रिंट होगा अ पैलिंड्रोम नंबर तो इस प्रोग्राम को हम करेंगे जिसमें इनपुटेड नंबर नंबर को सबसे पहले इनपुट लिया जाएगा यूजर से और उसके लिए हम स्कैनर क्लास का यूज करेंगे और स्कैनर क्लास का यूज करने के बाद नंबर इनपुट होगा एंड इनपुटेड नंबर को सबसे पहले हम रिवर्स करेंगे और रिवर्स कैसे करेंगे वो इसी प्रोग्राम में हम सीखेंगे ठीक है किसी भी नंबर को हम कैसे उसका रिवर्स करते हैं और फिर बाद में उसको हम चेक करेंगे कि ओरिजिनल नंबर के साथ रिवर्स नंबर सेम है कि नहीं अगर सेम है इक्वल है तो पैलिंड्रोम है अदरवाइज पैलिंड्रोम नहीं है तो चलो स्टार्ट करते हैं तो ये जो बेसिक से लाइन्स होते हैं ये तो तुमको पता ही है इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर हम स्कैनर क्लास को यहां इंपोर्ट कर लिए जावा डॉट यूट पैकेज को इम्पोर्ट कर लिया क्योंकि हमें स्कैनर क्लास की जरूरत है क्लास डिक्लेयर कर लेते हैं पब्लिक क्लास पैलिंड्राम नाम दे देते हैं मेरे साथ साथ लिखो फिर मैं इसका ड्राई रन करके भी बताऊंगा बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोग्राम है बहुत ईजी भी है पब्लिक स्टैटिक वाइडमेन ये सब तो बेसिक लाइन्स है तुम लोगों को पता है ओके स्ट्रिंग अर्ग्स अब हमारा प्रोग्राम यहां मेन स्टार्ट हो रहा है ठीक है और उसके पहले भी हम स्कैनर का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं और फिर हम प्रोग्राम की तरफ बढ़ेंगे स्कैनर एस सी इज इक्वल टू न्यू स्कैनर क्योंकि हम इनपुट करेंगे तो स्कैनर ऑब्जेक्ट बनाना है हमें सिस्टम डॉट आई इन ठीक है अब हम क्या करेंगे सबसे पहले वेरिएबल्स डिक्लेअर कर लेते हैं जो वेरिएबल्स की हमें जरूरत है एक वेरिएबल की हमें जरूरत है जहां हम ओरिजिनल नंबर को जो इनपुट होगा उस नंबर को स्टोर करेंगे अभी इनपुट करेंगे ना एक नंबर यूजर से लेंगे ना उस नंबर को स्टोर करने के लिए हम एक वेरिएबल डिक्लेअर कर लेते हैं और वो डेटा टाइप उसका रखते हैं इंट एंड नेम ऑफ द वेरिएबल इज नम ठीक है int, एक वेरिएबल हम बनाते हैं इसी ओरिजिनल नंबर को हम एक कॉपी करके रख लेंगे एक किसी और वेरिएबल में मतलब ओरिजिनल नंबर के साथ छेड़खानी की जाएगी अभी इसी प्रोग्राम में जब हम इसका रिवर्स करेंगे तो ओरिजिनल नंबर के साथ छेड़खानी होगी लेकिन लास्ट में तो मुझे ओरिजिनल नंबर के साथ कंपैरिजन करना है तो ओरिजिनल नंबर को हम इसीलिए किसी और एक वेरिएबल में भी उसी का एक कॉपी बना के रखेंगे तुम्हें अभी समझ में आएगा कि क्यों हम इसकी कॉपी बना रहे हैं जब ड्राई रन करेंगे ना तब पूरा क्लियर होगा कि वाई डू वी नीड टू क्रिएट अ कॉपी ऑफ द ओरिजिनल नंबर तो ओरिजिनल नंबर का ही कॉपी मतलब सेम टू सेम ओरिजिनल नंबर को ही हम एक और वेरिएबल में स्टोर करके रखेंगे एंड दैट इज कॉपी नाम ओके आई हैव गिवन द नेम ऑफ दैट वेरिएबल एज कॉपी नाम अच्छा अब रिवर्स करके उसको हम स्टोर करेंगे किसी एक और वेरिएबल में एंड लेट दैट रिवर्स नंबर बी स्टोर इन रेव नाम रिवर्स को स्टोर करेंगे रेव नाम ठीक है ये हो गया और रेव नाम को हम इनिशियलाइज कर दे रहे हैं जीरो के साथ वाई डू वी नीड टू इनिशियलाइज इट विद जीरो दैट विल विल बी वेरी क्लियर एज एज वी डू द ड्राई रन सो सो नो नीड टू वरी अभी हमने क्या किया तीन वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर दिया नम कॉपी नम रेव नम और रेव नाम को हमने जीरो से इनिशियलाइज भी कर लिया है अब एक वाइल लूप चलाते हैं वेल वाइल लूप के पहले हम नंबर इनपुट करेंगे तो अभी हम यूजर को बोलेंगे कि आप भाई साहब एक नंबर इनपुट करो सो so, उसको मैं मैसेज डिक्लेयर करता हूं मैसेज प्रिंट करता हूं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन एंटर अ नंबर ये नंबर एंटर होगा कहां जाएगा नम में जाएगा नम को इसीलिए हमने डिक्लेयर किया है सो नम इज इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट ओके सो हमारा जो इनपुटेड नंबर है चला इसके बाद हम क्या करेंगे ये जो नंबर इनपुट हुआ अभी इसको हम कॉपी नम में भी स्टोर कर करके रख देंगे मैंने अभी भी बताया था ना कि कॉपी नम जो हमने एक वेरिएबल यहां पर डिक्लेयर किया है इसका काम है कि जो ओरिजिनल नंबर इनपुट होगा उसका एक कॉपी वहां स्टोर होगा तो वही काम में करूंगा कि कॉपी नम जो वेरिएबल हमने डिक्लेयर ऑलरेडी कर लिया है उसमें भी कौन सा वैल्यू चला जाएगा ये नम जो नम अभी अभी इनपुट हुआ है यूजर के द्वारा वो कॉपी नम में भी उसकी एक कॉपी स्टोर हो जाएगी राइट नाउ वी विल क्रिएट अ वाइल्ड लूप अच्छा वाइल्ड लूप पर अगर कोई कंफ्यूजन है कोई डाउट है अगर वाइल्ड लूप कैसे इटिरेट करता है उस कोई तुम्हें कंफ्यूजन है तो एक वीडियो मैंने रिसेंटली डाला है और उसमें मैंने वाइल्ड लूप डू वाइल्ड लूप को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है ठीक है तो तुम उस वीडियो को देख सकते हो उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है यू कैन चेक दैट लिंक एंड इवन यू शुड चेक दैट लिंक इफ यू हैव अट ऑफ डाउट इन वाइल्ड लूप एंड डुबाइल लूप मुझे गारंटी है मैं गारंटी के साथ बोलता हूं कि अगर उस वीडियो को देख लो तो वाइल्ड लुप और डुबाइल लूप सारा कंफ्यूजन तुम्हारा क्लियर हो जाएगा और अगर क्लियर ऑलरेडी है वाइल्ड लुप कैसे काम करता है डुबाइल लुप कैसे काम करता है तो फिर उस वीडियो को देखने की जरूरत नहीं है यू कैन कंटिन्यू विथ दिस वन सो वाइल्ड अब वाइल्ड लुप चालू करेंगे और वाइल में कंडीशन रखेंगे कि कॉपी नाम जो हमारा वेरिएबल uh, है जहां पर हमने ओरिजिनल uh, नंबर का कॉपी स्टोर करके रखा हुआ है दैट शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो दिस इज आवर कंडीशन ऑफ द व्हाइल लूप अब वाइल्ड लूप में क्या क्या अंदर में होगा एक वेरिएबल हम यहां क्रिएट करेंगे डिजिट डिजिट अब इसका क्या काम है तुम अभी समझोगे जब मैं तुम्हें इसका एक्सप्लेनेशन करूंगा और डिजिट में हम क्या स्टोर कर रहे हैं कॉपी नाम मॉड टेन ऐसा क्यों कर रहे हैं कॉपी नम मॉड टेन करने से हमारा लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर एक्सट्रैक्ट हो रहा है यहां पर मैं कमेंट करके लिख देता हूं तुम्हें समझने में आसानी होगी वी आर एक्सट्रैक्टिंग द यूनिट डिजिट यूनिट डिजिट मतलब डिजिट एट द यूनिट्स प्लेस जिसकी प्लेस वैल्यू वन है या यूनिट है जैसे कोई नंबर है टू फोर सेवन तो ये जो सेवन नंबर है इसकी प्लेस वैल्यू क्या है यूनिट unit है यूनिट प्लेस पर है तो इसको बोलते हैं लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर इसको एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं यानी सेवन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम यहां पर मॉड टेन कर रहे हैं तो कैसे ये बेसिकली हो रहा है वो भी मैं अभी समझाता हूं तो राइटिंग द पर्पज ऑफ डूइंग दिस एक्सट्रैक्टिंग द यूनिट डिजिट ऑफ द नंबर ऑफ द नंबर ना हाउ डज इट वर्क सपोज आवर नंबर इज टू फोर सेवन तुम जब उसको टेन से डिवाइड कर रहे हो तो बेसिकली हो क्या रहा है तुम्हारा आ रहा है टेन टू जार ट्वेंटी फिर फोर सेवन टेन फोर जार फोर्टी एंड यू हैव रिमाइंडर सेवन तो देखो सेवन रिमाइंडर आ रहा है यानी कॉपी नाम मॉड टेन रिटर्न द रिमाइंडर ऑब्वियसली मॉड्यूलस डिविजन है तो रिमाइंडर को रिटर्न करेगा यानी कॉपी नाम को जब टेन से डिवाइड किया गया तो जो रिमाइंडर है वो रिटर्न होगा और वो रिमाइंडर है क्या वो सेवन है और तुम गौर से अगर देखो तो सेवन लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर है सो so बेसिकली ये ये एक एक ट्रिक है ये एक है टेक्निक कि अगर हमको किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट को एक्सट्रैक्ट करना है तो हम उसको डिवाइड मॉडल करते हैं जैसे अगर मेरे पास नंबर है टू एटी नाइन तो मुझे नाइन को अगर एक्सट्रैक्ट करना है तो मैं मॉड टेन से मतलब डिवाइड करूंगा टेन से और रिमाइंडर देखना नाइन ही आएगा सो टेन टू जार ट्वेंटी एट एंड यहां से नाइन उतरा टेन एट एटी

क्योंकि उसको हमने डिजिट में स्टोर कर दिया है अब हम क्या करेंगे ये जो कॉपी नम जो वेरिएबल है जिसमें हमने ओरिजिनल नंबर को स्टोर किया है अब हम उसमें से लास्ट डिजिट को ट्रंकेट कर देंगे व्हाट डज इट मीन और वो कैसे करेंगे कॉपी नम इज इक्वल टू कॉपी नम नॉर्मल डिवाइडेड बाय मतलब स्लैश टेन ये, तो ये जो हम स्लैश टेन कर रहे हैं तो टेन से डिवाइड कर रहे हैं लेकिन इस बार रिमाइंडर रिटर्न नहीं होगा क्वेश्चन रिटर्न होगा तो इससे क्या फायदा होता है यह इसका फायदा होता है वी आर ट्रांकेटिंग वी आर ट्रांकेटिंग द लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर नाई वाई आर वी डूइंग दिस बेसिकली तुम्हें क्लियर हो जाएगा थोड़ी देर में पहले यह ट्रांकेट हो कैसे रहा है अब देखो इसको समझते हैं कभी भी किसी नंबर को तुम टेन से डिवाइड कर रहे हो तो लास्ट डिजिट गायब हो जा रहा है जैसे टू फोर्टी नाइन से ही समझाता है टू फोर्टी नाइन एक नंबर है तुमने इसको 10 से डिवाइड किया ऑब्वियसली तुम्हें पता है कि रिमाइंडर नाइन आएगा और क्वेश्चन क्या आएगा ट्वेंटी फोर आएगा मतलब करके देखो टेन फोर जर फोर्टी तो रिमाइंडर तो नाइन आया नो no डाउट मतलब मॉड डिवाइड करेंगे तो यूनिट्स प्लेस पर जो नंबर है लास्ट डिजिट जो है वो एक्सट्रैक्ट हो जाएगा लेकिन नॉर्मल डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन रिटर्न होगा क्वेश्चन है क्या ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर मीन्स की लास्ट डिजिट को अगर हम हटा दे ट्रंकेट कर दे ट्रंकेट का मतलब उसको हटा दे कंप्लीटली उसको फगेट कर दे इग्नोर मार दे तो टू फोर्टी नाइन में से अगर नाइन को हम इग्नोर कर ले तो क्या बचता है लास्ट डिजिट टू जस्ट इरेज ऑफ दास्ट डिजिट वी नीड टू नॉर्मल डिवाइड विद टेन कोई भी नंबर हो नॉट ओनली दिस सपोज फाइव ट्वेंटी नाइन और मे बी लेट इट बी फोर डिजिट नंबर फाइव टू नाइन सेवन तो अगर हम इसको टेन से डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन आएगा फाइव ट्वेंटी नाइन ओके मतलब लास्ट डिजिट ट्रंकेट हो गया सेवन हट गया एंड रिमाइंडर आएगा सेवन तो तुमको अगर सेवन को एक्सट्रैक्ट करना है लास्ट डिजिट को एक्सट्रैक्ट करना है तो तुम तो मॉड्यूलस डिवाइड बाय टेन करोगे और अगर तुम्हें लास्ट डिजिट को हटाना है यू हैव टू जस्ट एक्सट्रैक्ट फाइव ट्वेंटी नाइन देन यू विल डू नॉर्मल डिवाइड टेन एंड दिस इज ऑल्सो रिक्वायर्ड इन दिस प्रोग्राम सो वी आर एंड वाई इट इज रिक्वायर्ड टू दैट दैट विल बी क्लियर जस्ट फ्यू मिनट्स वेन ड्राइ रन अभी तक जितना बताया तो और टेन से अब हम बेसिकली करेंगे क्या ये जो रेव नाम है ना जो वेरिएबल हमने ऑलरेडी डिक्लेयर करके रखा हुआ यहां पर रेव नाम अब उसमें हम रिवर्स नंबर को स्टोर करेंगे कैसे उसके लिए ये वाला फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं रेव नाम इज इक्वल टू Revnum, and this is the magic. You'll see how magically the number will automatically get reversed and get stored in revnum. So revnum is equal to revnum into ten plus digit plus digit. So this formula, basically this equation, will you see? will see how magically the number will be reversed and it will get stored in revnum. And this is very very simple. सो so, यहां तक वाइल्ड लूप चलेगा तो पहले मैं वाइल्ड लूप को समझा देता हूं और आगे का तो कुछ है ही नहीं हलवा है इसके आगे तो मेन जो मैजिक है यहां पर दिस इज द मैजिक दिस वाइल्ड लूप इज द मैजिक दैट विल डू ऑल द मैजिक ऑफ दिस प्रोग्राम सो लेट एस सी आई वी ऑलरेडी ओके चलो यहां पे देखते हैं तो मान लेते हैं कि यहां पर जो नम इनपुट हुआ ये जो नम ड्राई रन कर रहा हूं ध्यान से देखना ये जो नम जो इनपुट हुआ मान लेते हैं वो नंबर है टू 42, okay, ओके वेल दिस इज palindrome नंबर 242. इसको सामने से भी पढ़ोगे इधर से भी 242 और इस साइड से भी 242. So, this is a definitely a palindrome number. अच्छा हमारे पास एक और वेरिएबल है कॉपी नम और एक वेरिएबल है रेव नम ध्यान दे, ध्यान से देखना तीन वेरिएबल्स है एक और है डिजिट डिजिट तो उसके लिए मैं जगह बना लेता हूं थोड़ा सा इधर राइट right. यहां करता हूं एक है नम एक वेरिएबल है कॉपी नम दिख रहा है तुम लोगों को एक वेरिएबल है रेव नम और एक वेरिएबल है यहां डिजिट तो जितने भी वेरिएबल्स हैं पहले मैं उनको लिख देता हूं और उनमें कैसे क्या क्या वैल्यूज कब स्टोर होंगे अब तुम समझते समझना बड़ा इजी है तो नम में स्टोर होगा इनपुटेड नंबर तो यूजर एंटर करेगा सपोज ही एंटर्स टू फोर्टी टू राइट नाउ वट हैम सो कॉपी नम में भी चला जाता है यही नम का वैल्यू टू फोर्टी टू मतलब सेम टू सेम वैल्यू कॉपी हो जाएगा कॉपी नाम में ओके नाउ द वाइल लूप स्टार्ट इट सेपी नाम नॉट इक्वल टू जीरो जब तक कॉपी नाम जीरो के इक्वल नहीं होता है तब तक लूप चलते आ जाएगा सो ऑब्वियसली कॉपी नाम इज टू फोर्टी टू एंड इट इज नॉट इक्वल टू जीरो सो इट एंटर्स इन टू द वाइल्ड लूप अब हो क्या इंट डिजिट इज इक्वल टू कॉपी नाम मॉड टेन अब मैंने अभी भी बताया था कि कॉपी नाम मॉड्यूल डिवाइड टेन करेंगे तो लास्ट डिजिट एक्सट्रैक्ट हो जाएगा यानी रिमाइंडर होगा जब टू फोर्टी टू को टेन से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर जो है वो टू है दिस टू एंड दैट विल बी स्टोर डिजिटल राइट सो यह डिजिट में स्टोर हो गया यह ये टू ये जो लास्ट डिजिट एक्सट्रैक्ट हो गया टू मैंने अभी बताया था ना लास्ट डिजिट कैसे एक्सट्रैक्ट हो रहा है सो so टू उसके बाद क्या है ाम इज इक्वल नाम डिवाइड बाई टेन कॉपी नाम को जब डिवाइड बाई टेन किए और क्वेश्चन रिटर्न हुआ तो ट्वेंटी फोर रिटर्न होगा क्योंकि अब हो गया. तो नाम का अब नया वैल्यू आ गया ट्वेंटी फोर कॉपी नाम डिवाइड बाई टेन किए दैट मीनस दैट इज ट्वेंटी फोर एंड ट्वेंटी फोर इज अगेन असाइन टू कॉपी नाम सो कॉपी नाम का न्यू वैल्यू है अपडेटेड वैल्यू क्या है ट्वेंटी फोर राइट उसके बाद देखो क्या है रेव नाम इज इक्वल टू रेवनम इंटू टेन तो अभी रेवनम का वैल्यू तो जीरो है इसलिए जीरो से हम इनिशियलाइज़ करना जरूरी था क्योंकि यहां पर अगर हम जीरो से इनिशियलाइज़ नहीं करेंगे तो ये रेवनम का कौन सा वैल्यू लेगा ठीक है तो वैल्यू तो उसको देना है इनिशियली और वो जीरो ही होगा जीरो इंटू टेन किए तो जीरो हुआ रेवनम का वैल्यू अभी जीरो है सो जीरो इंटू टेन इज जीरो एंड जीरो प्लस डिजिट डिजिट इज टू जीरो प्लस टू इज टू सो दिस टू गोज इन विच वेरिएबल दिस एंटायर थिंग इज टू एंड टू गोज इन रेवनाम सो रेवनाम में क्या स्टोर है टू ये कौन सा टू है यह जो लास्ट डिजिट वहां से एक्सट्रैक्ट हो रहा है रिवर्स हो रहा है बेसिकली ये टू इधर आके स्टोर हो गया ठीक है देन इट अगेन गोज फॉर द नेक्स्ट इटरेशन एंड इट गोज फॉर द कंडीशन चेक सो कॉपी नाम नॉट इक्वल टू जीरो सो कॉपी नाम इज नॉट इक्वल टू जीरो ट्वेंटी फोर ज नॉट इक्वल टू जीरो कॉपी नाम का वैल्यू अभी कितना है ट्वेंटी फोर है एंड दट इज नॉट इक्वल टू जीरो सो कंडीशन इज ट्रू सो ना इट विल एंटर इन दाइल्ड लुक अब क्या है डिजिट इज इक्वल टू कॉपी नाम मॉड टेन सो कॉपी नाम का वैल्यू अभी ट्वेंटी फोर है और मॉड्यूल डिवाइड टेन करेंगे तो लास्ट डिजिट कॉपी नाम का एक्सट्रैक्ट होगा मीन्स फोर फोर एक्सट्रैक्ट हुआ और वो डिजिट में स्टोर हो गया तो डिजिट का अभी नया वैल्यू है फोर ठीक है डिजिट में स्टोर हो गया ना लास्ट डिजिट एक्सट्रैक्ट हो गया कॉपी नाम का अब कॉपी नाम इज इक्वल टू कॉपी नाम स्लैश टेन तो कॉपी नाम का नया वैल्यू क्या है ये फोर ट्रांकेट हो जाएगा एंड इट इज ओनली टू राइट नाम इट इज टू राइट नाम अब नेक्स्ट क्या है रेवनाम इज इक्वल टू रेवनाम इन टू टेन प्लस डिजिट सो रेवनाम का वैल्यू अभी टू है सो टू इंटू टेन मीन्स ट्वेंटी रेवनाम का वैल्यू क्या है टू इन टू टेन द्वेंटी प्लस डिजिट डिजिट का वैल्यू फोर सो इट इज ट्वेंटी फोर सो ट्वेंटी फोर विल गो एंड स्टोर इन रेवनाम तो नाम का नया वैल्यू है ट्वेंटी फोर बेसिकली हाउ ड्वेंटी फोर एज कम इट इज दिस टू एंड देन दिस फोर सो उल्टा चल रहा है लेफ्ट से राइट एक्चुअली उसका रिवर्स हो रहा है सो इट इज टू एंड फोर ट्वेंटी फोर ओके रिवर्स हो रहा है समझ रहे हो ना मैजिक कैसे चल रहा है और फिर ये लूप ऊपर गया कॉपी नाम नॉट इक्वल टू जीरो तो कॉपी नाम तो जीरो के इक्वल नहीं है अभी टू के इक्वल है तो लूप फिर से चलेगा डिजिट इज इक्वल टू कॉपी नाम मॉड टेन कॉपी नाम मॉड टेन करेंगे मतलब फिर से लास्ट डिजिट एंड इनफैक्ट इट इज ओनली डिजिट ऑफ द नंबर दैट विल बी एक्सट्रैक्टेड कॉपी इज विलू एंड इसको जब टेन से डिवाइड किए तो रिमाइंडर क्या आएगा टू ही आएगा टेन जीरो रिमाइंडर इज टू सो दिस टू इज स्टोर्ड इन डिजिट सो डिजिट का नया वैल्यू इज टू ओके नाउ कॉपी नाम इज इक्वल टू कॉपी नाम डिवाइड किए तो यानी टू को टेन से डिवाइड किया ट्वेंटी फोर सो ट्वेंटी फोर इन टू टेन मीन टू फोर्टी प्लस डिजिट मीन्स टू फोर्टी प्लस टू सो नाम का वैल्यूज टू फोर्टी टू सो यू सी Reverse number is also two forty two, and original number is also two forty two. So, hence it is obviously palindrome number, no doubt in that. But you, did you see? Did you notice that how the number is reversed? The mechanism in by which we reverse the number. Okay. If you want to try with some another number which is non-palindromic, that also you can do. You can you can see that how non-palindromic number can also get can also be reversed with the same code. ओके okay. मतलब मेरा मेरा कहने का मतलब है कि अगर ओरिजिनल नंबर मान लेते हैं कि 542 होता 542 होता ओरिजिनल नंबर जो कि पैलेंड्रॉम नंबर बिल्कुल भी नहीं है तो उसमें रेवनम का वैल्यू क्या आता रिवर्स करने से 245 आता तुम खुद ड्राई रन करके देखना तो बात फिर लास्ट में हमें अभी चेक करना बाकी है कि ओरिजिनल नंबर यानी नम रेवनम के अगर इक्वल है तो फिर ये हमारा पैलेंड्रॉम नंबर है अगर नहीं है तो नॉन पैलिंड्रोमिक नंबर है सो इन आवर इन दिस एग्जाम्पल टू फोर्टी टू इज ऑब्वियसली इक्वल टू द रेवनाम ऑल्सो टू फोर्टी टू सो दिस इज अ पैलेंड्रॉम नंबर इसमें थोड़ा सा कोड बचा हुआ है उसको लिख लेते हैं वो इफ कंडीशन लगा लेते हैं अब चेक होगा मतलब वाइल्ड लूप तुम्हें समझ में आ गया ना बिल्कुल अब वाइल्ड लूप अच्छा अभी नेक्स्ट इटरेशन होगा तो कॉपी नाम नॉट इक्वल टू जीरो और ये कंडीशन फॉल्स हो गया है बेसिकली क्योंकि कॉपी का वैल्यू अभी जीरो हो चुका है यू कैन सी सो सो नेक्स्ट टाइम लूप लूप विल नॉट से वो एग्जिट कर गया क्योंकि कॉपी नाम का वैल्यू अभी जीरो हो चुका है एंड नाउ द लूप विल नॉट इटरेट एनी फर्दर तो अभी वो कहां आएगा इस इफ कंडीशन में आएगा जहां वो चेक करेगा कि इफ रेव नाम यानी रिवर्स नंबर इज इक्वल टू इक्वल टू नम नम की इक्वल है कि नहीं तो अगर इक्वल है तो ऑब्वियसली पैलिंड्रॉम नंबर हम प्रिंट कर देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन अ पैलिंड्रॉम नंबर ओके एल्स सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन नॉट अलम नंबर इज इंट इट सो सिंपल प्रोग्राम फिर क्लोज कर दिया क्लास पहले मेन को क्लोज किया फिर क्लास को क्लोज किया तो इजी प्रोग्राम आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टड दिस प्रोग्राम इट इज वेरी सिंपल अच्छा वन इंपॉर्टेंट थिंग वाई डिड वी मेक अ कॉपी ऑफ द ओरिजिनल नंबर देखो हम जब लास्ट में रिवर्स नंबर को और ओरिजिनल नंबर को चेक कर रहे हैं ठीक है तो कॉपी इसलिए बनाए क्योंकि हम जो यहां पर कॉपी नम से ही हम रिवर्स नंबर को क्रिएट किए ये जो रिवर्स नंबर नंबर को रिवर्स किया गया ये ओरिजिनल नंबर के साथ छेड़खानी नहीं किया गया ओरिजिनल नंबर को कॉपी नम में पहले स्टोर किया गया और कॉपी नम के साथ छेड़खानी की गई तुमने ये चीज गौर किया ओरिजिनल नंबर 242 है इसको हमने टच भी नहीं किया 242 फोर्टी टू कॉपी नाम में हमने 242 को स्टोर किया और फिर इसके साथ छेड़खानी की यहां पर 242 को 24 बनाया 24 को 2 बनाया 2 को फिर 0 बनाया एंड इट वाज रिक्वायर्ड फॉर क्रिएटिंग दिस थिंग 242 रिवर्स नंबर तो हम रिवर्स नंबर को क्रिएट किए ओरिजिनल नंबर का कॉपी बनाकर ओरिजिनल नंबर को टच नहीं किए ओरिजिनल नंबर को तो हमको लास्ट में मुझे चाहिए है कंपेरिजन करने के लिए इसीलिए उसके साथ छेड़खानी नहीं किया कॉपी के साथ किया ठीक है तो दैट इज वाई कॉपी बनाना जरूरी था आई होप यू हैव अंडरस्टूड सो नाउ यू पीपल विल ट्राई दिस प्रोग्राम ऑन योर ओन विद वेरियस अदर यू नो एग्जाम्पल्स जैसे मैंने यहां टू फोर्टी टू का किया तुम यहां पर एक नॉन पैलिंड्रामिक नंबर लाइक नाइन एटी फोर से करो फिर किसी और पैलिंड्राम नंबर से करो जैसे फाइव टू टू फाइव से करो दो तीन अलग अलग इनपुटेड नंबर से ड्राई रन कर लो तुम्हारा कंसेप्ट हंड्रेड परसेंट क्लियर हो जाएगा ठीक है आई होप यू हैव अंडरस्टूड हाउ द प्रोग्राम इज वर्किंग एंड हाउ द नंबर इज गेटिंग रिवर्स दैट्स ऑल फॉर टुडे थैंक यू गॉड ब्लेस यू